हाय दोस्तों, अच्छा वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं तुम लोगों को कुछ अपडेट्स देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं दिल्ली था दो दिन पहले दिल्ली होने के बाद कल आफ्टरनून में मैं उत्तराखंड पहुँचा हूँ। और बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी थी, थोड़ी सी हेक्टिक थी मेरे लिए क्योंकि रात भर सोया नहीं था, उसके वजह से मैं अब उत्तराखंड पहुँचा हूँ। कल दोपहर को आराम किए हमने, प्लान किया कि आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन पे मुझे मेजरली जाना था वहाँ पे। तो आज मॉर्निंग में 5:30 हम लोग निकले अपने होटल से, विच इज़ माई होटल इज़ इन भीमताल। तो भीमताल से उत्तराखंड नीम करोली आश्रम इज़ समवट अराउंड 10 किलोमीटर्स, सो इट विल टेक हाफ एन आवर टाइम। नॉर्मली वो हाफ एन आवर का टाइम लगता है। अभी हाफ एन आवर के टाइम की मैं बहुत जगह पे ट्रैफिक तक मुझे पहले से इंस्ट्रक्शन मिले हुए थे ये होटल के ओनर से कि यहाँ पे यू कैन गेट ट्रैफिक। 5:30 का इरादा लेके निकले थे हम लोग। ऑनेस्टली बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत मज़ा आया। यू विल सी इन द वीडियो, अभी मैं जो आगे वीडियो अपलोड करूँगा उसके अंदर यू विल गेट टू नो दैट किस तरीके से मैंने बहुत ही प्यारी तरीके से उनके दर्शन लिए, हनुमान चालीसा रिसाइट किया वहाँ पर बैठ के। बाबा जी की एनर्जी है वहाँ और बहुत डीप एनर्जी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग टू यू। मैं दो दिन भीमताल में था, कल मैं आया यहाँ पे। आज मैंने मेरे साथ राहुल भाई जो मुझे लेके आया था गाड़ी चला के, मैंने उसको भी वेव ऑफ कर दिया। मैं बोला भैया आप चले जाओ दिल्ली, ठीक है। मुझे दो दिन में बाबा के यहाँ पहुँच गया हूँ। सामने ही मुझे होटल्स मिला है और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लेसिंग्स फील हो रहा है। लिटरली आई एम फील लाइक ब्लेस्ड दैट बहुत खूबसूरत लग रहा है। बारिश आ रही है, आई थिंक इट फर्स्ट रेन इन उत्तराखंड दैट आई एम एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग एंड ऑनेस्ट फॉर कैब्स। देखते मेरे को जाना है दिल्ली। वी आर लीविंग फ्रॉम केची धाम और हम लोग अभी हल्द्वानी पहुँच गए हैं। डेढ़ घंटा लगा पहुँचने के लिए। अभी दिल्ली माइट भी कितने बजे तक पहुँचेंगे साहब? छः बजे तक एस्टिमेशन दिया हुआ है। मुंबई बैक टू पवेलियन, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। 5 डेज गाड़ी भी बढ़ गई है, अच्छा दीदी करो। 47 गेट नंबर पे जा रहा हूँ।